साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा गन्ना वैरायटी 0118 की पहचान। और साथियों, जो इस वैरायटी में कुछ कमियां हैं वो भी बताऊंगा, और इस वैरायटी की खूबियां भी आपको बताऊंगा। और साथियों ये भी बताऊंगा कि हमको इसकी अपने खेत में गन्ना बुवाई क्यों करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि साथियों सारी बात इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की मोटाई की और गन्ने की ब्यात की। तो साथियों, जैसा आप देख पा रहे हो कि इस वैरायटी में गन्नों की संख्या भी लगभग अच्छी खासी है, और किसान भाइयों गन्ने की मोटाई व लंबाई भी ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात ये साथियों कि इस वैरायटी में कोई भी रोग हमको देखने को नहीं मिलता, चाहे वो टॉप बोरर हो, ब्लैक स्मिथ हो, या साथियों पोका बोइंग हो, कोई भी रोग इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता। साथियों आप देख पा रहे होंगे कि गन्ने की मोटाई और लंबाई काफ़ी अच्छी है। तो किसान भाइयों, पहले बात करते हैं जो इस बीज में कमी है उसकी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने अपने इस गन्ने में एक बंधाई कराई है। साथियों इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये जब लगभग 10-11 फुट का गन्ना होता है तो किसान भाइयों ये गन्ना ऊपर से फैलने लगता है, जिससे कि गन्ना गिरने का खतरा बना रहता है। क्योंकि साथियों जितनी मोटाई इसकी नीचे होती है उससे ज़्यादा मोटाई इसकी ऊपर हो जाती है, गन्ना भारी हो जाता है ऊपर से। और साथियों इसकी पहचान ये है कि आपको ये गन्ना हल्के बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का नज़र आएगा। और साथियों इसका जो अंगूले की पत्ती हैं, जहाँ से पत्तियाँ शुरू होती हैं, वो भी पर्पल कलर की नज़र आती हैं। और साथियों थोड़ी थोड़े इसमें रूएँ होते हैं, कांटे होते हैं। भाइयों इतने कांटे नहीं होते कि गन्ना कटाई पर कोई दिक्कत आए। तो किसान भाइयों, एक इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस गन्ने को आप जहाँ से भी तोड़ना चाहोगे वहीं से ये टूट जाता है, मुड़ता नहीं है। जैसे हमारी और वैरायटी होती हैं 0238, उसके गन्ने को हम तोड़ते हैं तो किसान भाइयों आपने देखा होगा कि वो गन्ना आसानी से टूटता नहीं है, पिचक जाता है। तो साथियों इस गन्ने की ये एक पहचान है कि आप जहाँ से भी इस गन्ने को तोड़ोगे वहीं से ये टूट जाता है। और साथियों आप देख पा रहे हो कि गन्ने की मोटाई और लंबाई और गन्नों की संख्या इस वैरायटी में अच्छी खासी है। और किसान भाइयों, इस वैरायटी में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि अगर आप इसकी साधारण विधि से, सादा विधि से गन्ने की बुवाई करते हो तो इसमें ब्यात बहुत कम हमको अपने खेत में देखने को मिलेगा। वहीं अगर साथियों आप ट्रेंच विधि का गन्ना बोते हो तो ट्रेंच विधि में ये गन्ना बहुत ही बेहतरीन ब्यात करता है, क्योंकि साथियों ट्रेंच विधि में इसकी जो टुकड़े होते हैं जब हम बुवाई करते हैं तो साथियों थोड़ी थोड़ी मिट्टी आती है, इसलिए साथियों इसमें आप जितना ब्यात लेना चाहो इतना ले सकते हो। और सबसे बड़ी खासियत किसान भाइयों ये है, इसमें आपको कोई भी लास्ट तक रोग देखने को नहीं मिलेगा। इसमें नहीं किसी कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं किसी फंजीसाइड की पड़ेगी। किसान भाइयों वहीं अगर बात करें 0238 की, तो साथियों उसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों आप लगभग सभी काफ़ी लंबे समय से उस वैरायटी को बोते आ रहे हो, और साथियों अब उसमें बहुत ही रोग हमको देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी दवा लगाने के बाद भी रोग नहीं उसके ख़त्म होने का नाम लेते।
साथियों उसमें खर्चा ज़्यादा और पैदावार हमको कम देखने को मिलती है। वहीं किसान भाइयों अगर बात की जाए 0118 की तो साथियों जितनी लागत हम 0238 में देते हैं, अगर इतनी लागत हम इस गन्ना वैरायटी में दें तो साथियों उत्पादन हमारा उससे लगभग 10-20% अधिक निकलता है। किसान भाइयों इस वर्ष किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके कौन सी वैरायटी की बुवाई की जाए। तो किसान भाइयों सबसे अच्छी वैरायटी फ़िलहाल में यही है, क्योंकि किसान भाइयों ये बीज आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा और मिल रेट में ही आपको ये बीज लगभग उपलब्ध हो जाएगा। तो किसान भाइयों इस वर्ष आप इस गन्ना वैरायटी की बुवाई अपने खेतों में कर सकते हैं। और साथियों इसकी एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि किसान भाइयों हमारी जितनी भी गन्ना वैरायटी हैं, किसान अब जब सर्दी शुरू होगी तो किसान भाइयों उनकी लंबाई थम जाएगी, लेकिन किसान भाइयों इसकी असली लंबाई सर्दियों में ही होती है। तो किसान भाइयों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और किसान भाइयों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पर दबाना ना भूलें। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।